नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसको देखकर, उन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी हैरान हो जाएगा। एक पिता अपनी पुत्री का विवाह इसलिए करता है कि वो अपने अच्छे घर पे जाए, उसे अपना दामाद उसे बहुत अच्छा रखे। पर मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाह रहा हूं जहां आप देखकर बड़े आश्चर्य हो जाएंगे। आइए इस घटना को पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक आप देखें और समझें कि उज्जैन जिले के मेहतपुर तहसील के गांव खेड़ा खजूरिया के पास में मुंडलू दोत्रू, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 6 साल पहले किया था। जब उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि हमारी पुत्री के साथ आगे क्या होगा, पुत्री का विवाह उन्होंने मेहतपुर के पास में बनी गांव में किया। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था। साल भर पहले ही पति, सास, ननन और पूरे परिवार ने मिलकर उनके साथ एक ऐसा षड्यंत्र करा जिसको लेकर वो एक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्हें नशे का इंजेक्शन लगाया गया क्योंकि पति डॉक्टर, गवर्नमेंट नौकरी लग चुकी थी, उन्हें पता नहीं क्या आवश्यकताएं बड़ी उनकी। इस कारण से अपनी पत्नी को परेशान किया, मारपीट, धैर्य से मांग की। ऐसे सब पत्नी ने स्वयं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बताया है। उन्होंने ये सब घटना अपने पिता को बताई। इसी दौरान रागवी थाने में जाकर शिकायत करी है, पर उन्होंने बताया कि हमें काफी थाने के चक्कर काटना पड़े जब आकर उनकी ये FIR दर्ज की गई है। जहां तक पता चला है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने उज्जैन SP कार्यालय में आकर भी अपनी गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि जिस प्रकार से मुझे नशीली दवाइयों का शयन कराया, मुझे प्रताड़ित किया गया है, इन आरोपियों को भी ऐसी सख्त सख्त सजा मिले ताकि आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ससुराल में मेरी घटना घटी है ये कि मेरे पति मुझे रोज तंग परेशान करता था, मुझे नशे के इंजेक्शन लगाता था और मेरी सास मुझे दूसरे व्यक्ति से बात करवाती थी। मेरी सास को मैंने उनको दूसरे लड़कों के मेरे मास्टर के साथ मैंने उनको देखा था, तो उन्होंने मेरे ये झूठा इल्जाम मेरे पे लगा दिया और बोलते हैं कि मैं मारपीट भी की मेरे साथ, धमकियाँ दी और धमकियाँ दी मुझे और बहुत मारपीट भी की। और क्या क्या बोले आपके हस्बैंड ने, क्या बोला होगा आपसे? मुझे उन्होंने यही बोला तू तेरे घर जा और बाहर देश की मांग करते थे। मेरे पापा ने जितना बना इतने देश भी दे दिया और उनकी पढ़ाई के लिए हमने पापा ने पैसे भी दिए। फिर क्या आपने अपने परिवार वालों को बताया? मेरे साथ जो घटना घटी मैंने पापा को बताई सारी घटना। फिर मेरे पापा और हम पुलिस थाने भी गए हमारी रिपोर्ट लिखाने। वहाँ सुनवाई हुई कि नहीं हुई आपके थाने पर? हमारी सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ पर। कब तक नहीं सुनवाई हुई आपकी? हम 5 दिन से 20 दिन हो गए, हमें सुनवाई नहीं हुई, हम बहुत परेशान हो गए। पिता का साथ में भी यार मैंने मारकूट भी करी तो और देश बार बार देशभक्ति भी मांग करता था भी। बाद में मैं दीदा भी सही मना 2-4 लाख रुपया भी दे दिया था, नौकरी लगी। के बाद में परेशान करिया करता बार बार और भाई के बाद में दो बालक पे कहीं बात करा 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 करी इन्हें फंसाड़ दी जबरन बनाए कि बोले कैसे ऐसा हुआ ने वो हुआ ने परेशान करिया करता इन मारा कुटो करीब। एक बाद में हम थाने भी गया, 2-4 वक्त ने वहाँ उज्जैन भी गया, कहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई रही। मैं आप क्या चाहते हैं प्रशासन? न्याय चाहता नहीं है प्रशासन से, जल्दी न्याय मिलो। मुरली की माया भाई दुनिया की निवासी है, इसकी शादी दीपक के साथ हुई थी बनी गाँव थाना मैं जी। इसका पति दीपक, ससुर तेजराम, सास कैलाश भाई, ये इसे प्रताड़ित करती थी और इसके कारण से उसने थाने में रिपोर्ट किया था। इस पर अपराध 407-4 कायम कर विश्राम लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी कार्रवाई चल रही है विवेचना जारी है। विवेचना पूर्ण चालन कार्रवाई की गई है।